अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अतीक अहमद के वकील के घर के पास फेंका गया बम, धुआं धुआं हुआ इलाका। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या शनिवार रात कर दी गई थी। अतीक की हत्या उस समय की गई थी जब पुलिस उसके भाई अशरफ के साथ मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई थी, जहां पत्रकार बनकर पहुंचे हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें अतीक और उसके भाई की मौत हो गई। अतीक अहमद के वकील के घर के पास देसी बम से हमला हुआ है। प्रयागराज की कटरा गोबर गली में ये बम ब्लास्ट हुआ है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं है। दहशत का था इरादा। वकील की पहचान दयाशंकर के रूप में हुई है। बम इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से फेंका गया था। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कर्नलगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि बम किसने फेंका और उसका मकसद क्या था। हालांकि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि ये हमला दहशत फैलाने के लिए किया गया था। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बताया कि कटरा इलाके में दोपहर करीब 2:30 बजे हुए विस्फोट में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। करनालगंज पुलिस स्टेशन के SHO राममोहन राय ने दावा किया है कि अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा निशाने पर नहीं थे और ये घटना दो युवकों के बीच की निजी दुश्मनी का नतीजा थी। हालांकि वकील ने दावा किया है कि ये भय और आतंक पैदा करने का प्रयास था। वकील ने इस मामले पर कहा, मैं अदालत में था जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि बम फेंके गए हैं। मैं घर भाग आया। मुझे लगता है कि ये मुझे डराने के लिए किया गया है, आतंक पैदा करने के लिए। ये एक बड़ी साजिश है। मेरी बेटी और स्थानीय लोगों ने देखा कि इसमें एक व्यक्ति शामिल था और 3 बम फेंके गए। पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मारा जा चुका है अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या शनिवार रात कर दी गई थी। अतीक की हत्या उस समय की गई थी जब पुलिस उसके भाई अशरफ के साथ मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई थी, जहां पत्रकार बनकर पहुंचे हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें अतीक और उसके भाई की मौत हो गई। किसने की हत्या? अतीक अहमद की हत्या लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी नाम के लड़कों ने की। ये लोग पत्रकार बनकर आए थे और अतीक और उसके भाई पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इन तीनों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। किस जेल में आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पहले प्रयागराज में ही रखा गया था, बाद में प्रयागराज से प्रतापगढ़ जिला कारागार में उन्हें भेज दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।